तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग सेट का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मैं इंटरवल्स पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लगवाया था। क्यों बच्चों? इंटरवल्स पे मैं कुछ क्वेश्चन लगवाया था और मैं दो स्टार पॉइंट भी लिखा था कि बच्चों माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट को हमेशा ओपन इंटरवल में रखते हैं। बोलो बच्चों, हाँ ना बोलो यार। ठीक है, उसके बाद मैंने एक बात और भी बताया था कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है। बच्चों, अपर बाउंड में से जब हम लोअर बाउंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वही हमारा बच्चों लेंथ ऑफ इंटरवल होता है। बेटा, आज भी कुछ नई चीज़ें देखेंगे इंटरवल से रिलेटेड ही, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इनइक्वलिटीज पर। ठीक है बच्चों? तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग पीछे की सारी वीडियोज़ देखे होंगे, क्योंकि बेटा अगर आप पीछे की वीडियोज नहीं देखे हैं, अगर आप डायरेक्ट बेस से देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत जरूर होगा। इसलिए बेटा आप बेसिक से सारी चीज़ें पढ़िए, मैं आपको फुल गारंटी देता हूँ कि आपको हर चीज़ें समझ में आएगा। अगर आप बेसिक से ध्यान से सब कुछ पढ़ रहे हैं और उसका नोट्स भी कंप्लीट कर रहे हैं, साथ साथ रिविजन भी कर रहे हैं, तो 100% जान लीजिए कि आपको सारी की सारी चीज़ समझ में आएगा। ठीक है बेटा? तो ठीक है बेटा, आओ मैं आप लोगों को इनइक्विलिटी से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है बेटा? तो जल्दी से आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है बच्चा? ठीक है देखो, देखो बेटा क्या है, ध्यान दो बेटा, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग। ठीक है देखो बेटा, मान लो अगर कोई इनइक्विलिटी हो, मान लो, ठीक है, ध्यान देना, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कहीं लिखा हो बेटा, बात समझिए, मान लीजिए कहीं लिखा हो बेटा x प्लस फाइव, बात समझिएगा, ग्रेटर देन 2x-1, ऐसा कुछ लिखा हो। ठीक है बेटा? तो बात समझो, अगर बेटा मान लो इस -1 को मैं इस साइड लाऊं, तो आप जानते हो कि जैसे आप इक्वेशन में माइनस को दूसरे साइड लाते हो तो वो प्लस बन जाता है, या प्लस के दूसरे साइड को ले जाते हो तो वो माइनस बन जाता है। अरे हाँ ना बोलो यार, किसी भी मतलब संख्या का अगर प्रोडक्ट है उसको दूसरे साइड ले जाते हो तो डिवाइड में बन जाता है, डिवाइड है तो प्रोडक्ट हो जाता है। बच्चों, इनइक्वलिटी में भी सेम वही कंडीशन होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो सकता है। चीज़ें क्या मिस्टेक हो सकता है मैं बता रहा हूँ बेटा, इक्वेशन की तरह यह भी होता है लेकिन मैं बता रहा हूँ। जैसे बच्चों देखो, मान लो इस -1 को मैं इस साइड ले जाऊँ तो एक्स प्लस फाइव प्लस वन हो गया, ग्रेटर देन क्या हो गया बेटा बताओ, 2x हो गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो देखो बेटा, x प्लस फाइव की ओर ग्रेटर का साइन था तो अभी भी x प्लस फाइव की ओर ग्रेटर का ही साइन है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, पहले हमको पढ़ाने दीजिए। ठीक है, मैं क्या बताने जा रहा हूँ अभी देखिए। ठीक है, अभी आपके मन में सस्पेंस होगा कि सर ऐसा क्या मतलब, क्या बोलते हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, तो बहुत परेशान मत होइए, जैसे ही मेरा लेक्चर समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बताने वाला क्या हूँ। ठीक है, कुछ देर तक उसको सस्पेंस में ही रहने दीजिए। तो क्या है बेटा कि जैसे ही मैं -1 को इधर ले आया बेटा, वो -1 किस में बन गया बताओ, प्लस वन में। तो क्या ये जो इनइक्विलिटी है क्या वह चेंज हो गया? नहीं चेंज हुआ, जिधर ग्रेटर था उधर ग्रेटर है और जिधर स्मॉलर था उधर स्मॉलर है। अगर बच्चों सपोज दैट, अब देखो दूसरा केस, ये तो था आपका पहला केस। ठीक है बच्चों, पहले बातों को समझो। अगर मान लो यहाँ पे बेटा मैं दूसरी केस की बात कर दूँ, ठीक है, और मान लो बेटा यहाँ पे प्लस फाइव हो, सपोज दैट प्लस फाइव हो, ठीक है, या मान लीजिए प्लस फाइव ही नहीं प्लस टू ले लिया, कोई दिक्कत है नहीं। बोलो, अब बेटा अगर मान लो इस टू को इस साइड ले आऊँ तो आप बताइए, जैसे ही मैं इस टू को इस साइड ले आऊँगा प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस। तो मतलब इधर आके बेटा ये हो गया -2, जैसे इस साइड लाओगे -2। ऐसा काम तो आप इक्वेशन भी करते करते होंगे, बोलिए, इक्वेशन में तो ऐसा कर किए होंगे, अभी तक यही करते आए होंगे। तो बच्चों अभी भी देखो,
जो मेरा इनइक्विलिटी है, जो मेरा ग्रेटर का साइन है, वो जैसे पहले था माइन टू को इधर ट्रांसपोज करने के बाद भी इनइक्विलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ है। जिधर ग्रेटर था उधर ग्रेटर है, और जिस साइड में वो स्मॉलर लगा था उस साइड में वो स्मॉलर है। कोई दिक्कत बेटा? तो एक बार देखे होगे, मैं एक संख्या को लाया माइनस के फॉर्म में, दूसरी बार देखे होगे, सॉरी एक संख्या को लाया, ठीक है ना, सॉरी पहला वाले में मैंने प्लस के फॉर्म में लाया था, दूसरी बार मैंने माइनस के फॉर्म में लाया। अब मान लो बेटा बात समझो, यही थ्री से मल्टीप्लाई हो, तो जैसे ही इस थ्री को इस साइड लाओगे तो बाई थ्री हो जाएगा। क्या इनइक्विलिटी चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। बोलो यार, इनइक्विलिटी चेंज नहीं हुआ। जैसे डिवाइड किया फिर भी इनइक्विलिटी चेंज नहीं हुआ। लेकिन बच्चों, अगर इसी थ्री के स्थान पे अगर मान लो ऐसे माइनस थ्री रहा होता गुणा के फॉर्म में, और इस माइनस थ्री को अगर बेटा जब आप लाते, तो बेटा ये जो इनइक्विलिटी है ना बेटा, वो चेंज हो जाता। यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि जब आपने एडिशन के फॉर्म में लाया, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लाया कोई चीज, तब तो कहीं प्रॉब्लम नहीं था इनइक्विलिटी में। लेकिन जैसे ही आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में लाया, तो जिस संख्या को अगर आप ला रहे हो दूसरे साइड में, अगर वह संख्या नेगेटिव है, तो गारंटी है कि जो इनइक्विलिटी है वो चेंज हो जाएगी। जिधर ग्रेटर था अब उस साइड में स्मॉलर हो जाएगा, और जिधर स्मॉलर था उधर ग्रेटर हो जाएगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको बात समझ में आएगा। इसी प्रकार से बच्चों, अगर सपोज दैट बेटा मैं यहाँ प्लस थ्री का डिवाइड किया होता, प्लस थ्री का, तो इस साइड आके बताओ प्लस थ्री आता तो क्या हो जाता, बताओ? इस साइड आता तो बताओ प्लस थ्री का डिवाइड किया होता, तो थ्री इस साइड आता तो बताओ क्या हो जाता, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई थ्री का। अब बताओ बच्चों, यहाँ टू एक्स बचता। अब बताओ बेटा, जिस संख्या का तुम इस साइड ला के डिवाइड किया, यानी थ्री का, वो प्लस थ्री था कि माइनस थ्री था? प्लस थ्री हो तो गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, लेकिन जो संख्या आप ला रहे थे पॉजिटिव था ना? Yes, sir. तो बच्चों इनइक्विलिटी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर यही निगेटिव होता तो तुरंत जैसे माइनस थ्री इधर लाते इनइक्विलिटी चेंज हो जाता। बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोगों ने इक्वेशन में देखा होगा कि कल कोई इक्वेशन हो तो एक साइड से जब दूसरे साइड में किसी मतलब एडिशन वाली चीज़ को लाते थे तो इस साइड आके सब्ट्रैक्शन हो जाता था। Yes, तो इनइक्विलिटी में भी यही बात होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई मान लीजिए सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ है तो इधर आके क्या हो जाता था? एडिशन हो जाता था, उसका वो जुड़ जाता था। कोई चीज़ मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो इधर आके डिवाइड हो जाता था। अगर कोई चीज़ डिवाइड के फॉर्म में हो तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता था। ऐसा तो आप किए होंगे। बच्चों देखो, मेरे कहने का मतलब है कि इनइक्विलिटीज में भी वही प्रक्रियाएँ होंगी जो प्रक्रियाएँ आपका इक्वेशन में हुआ था। लेकिन इनइक्विलिटी में एक बात ध्यान देना है कि जब इस साइड कोई चीज ला रहे हो, अगर वह गुणा और भाग के रूप में आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट और डिवाइड के फॉर्म में आ रहा है, और जिस संख्या को ला रहे हो अगर वो निगेटिव है, निगेटिव, ये बात अपने माइंड में स्टोर कर लो कि इस दूसरे साइड ला रहे हो और जो संख्या ला रहे हो वह इधर आके गुणा बन जाएगा या तो भाग बन जाएगा, लेकिन वह संख्या निगेटिव है, तो जो आपका इनइक्विलिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जिधर ग्रेटर था उधर स्मॉलर हो जाएगा, जिधर स्मॉलर था उधर ग्रेटर हो जाएगा। बात समझ में आपको आया होगा। यह केवल केवल आपको तब ध्यान देना है जब इस साइड से दूसरे साइड में आप गुणा या भाग के रूप में लाओ। बोले बेटा, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे बेटा ये क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्यों सर? जब एडिशन के रूप में, सब्ट्रैक्शन के रूप में कोई संख्या एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो इनइक्विलिटीज पे कोई चेंज नहीं होता। इनइक्विलिटी जैसे रहता है वैसे ही रहता है, नहीं बदलता। लेकिन क्यों जब कोई संख्या दूसरी साइड डिवाइड और मल्टीप्लाई के रूप में जाता है और वह संख्या निगेटिव हो तो क्यों साइन चेंज हो जाता है? अभी आप लोगों को बात समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद जब आपको पूरी तरह बात समझ में आ जाएगा तो हम लोग वही बात बेटा नोट्स में लिख लेंगे। कोई दिक्कत बेटा? बेटा ये सब छोटी छोटी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अभी कल मैं आप लोगों को बताया था कि बेसिक चीज़ें सीखना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक मैथ्स में जैसे एक मशीन में नट बोल्ट होता है उसी प्रकार से काम करता है। ये बेसिक मैथ का नट और बोल्ट है बेटा, जो पूरी तरह से जितना अच्छे से पढ़ोगे इसका मतलब मैथ की मशीन उतनी ही अच्छे से कसी हुई होगी, यानी कि टाइट होगी। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बेसिक को बेटा आपको समझना है, ठीक है बेटा? देखो बेटा कैसे आपको देखना, कैसे क्यों ऐसा हो रहा है, आइए इसके बारे में समझा जाए और सोचा जाए। देखो बेटा, देखो
देखो बेटा, जैसे मान लो बेटा कहीं लिखा हो थ्री, मान लो बेटा थ्री देखो लेस देन है, बताओ बेटा आपका, या इधर कुछ भी संख्या ले दो कोई दिक्कत नहीं, मान लो बेटा टेन लेस देन है बेटा ट्वेल्व से। बेटा इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि जो 10 है वो 12 से लेस देन है? बोलिए। अच्छा अब देखो बेटा, ये मेरा है बेटा मान लो लेफ्ट हैंड साइड और ये है मेरा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ग्रेटर का साइन है। बोलो यार, राइट हैंड साइड में देखो यार, ये जो इनइक्वलिटी है इसका फेस खुला हुआ है, इसका मतलब ये बड़ा है और 10 छोटा है। बात समझो बच्चों, एक बात बताओ, ये तो पहला स्टेप हो गया, अभी आप लोग को बेटा साफ समझ में आ जाएगा कि ऐसा होता क्यों है। सब समझ में आ जाएगा बच्चों, एक बार बताओ, 10 को ऐसे ही रहने दूं बेटा, 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 10 प्लस 2, टेन प्लस 2 लिख सकता हूं यार 12 को। अब बेटा ये जो प्लस 2 है ना बेटा, ये जो प्लस 2 है ना बेटा, प्लस 2 इसको इस साइड लाओगे तो ये माइनस 2 बन जाएगा। यानी कि कोई चीज राइट हैंड साइड में एडिशन के फॉर्म में है तो जब आप लेफ्ट में ला रहे हो तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में बन जाएगा। और मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले कि कोई चीज़ एडिशन के फॉर्म में हो और वह दूसरे साइड आए सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो जाए तो चाहे वह इक्वेशन हो चाहे वह इनइक्वलिटी हो, चेंज नहीं होता है। इक्वेशन में तो ऐसे भी कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता। अब बच्चों बताओ, अगर 2 को तुम इधर लाओगे तो बताओ, जब 2 को इधर लाओगे तो बताओ इधर क्या है, बताओ 10 माइनस 2 लेस देन, देखो यहाँ बचेगा 10। अब बेटा बताओ 10 में से 2 गया बेटा 8 लेस देन बेटा बताओ क्या, अब बताओ बेटा 8, बताओ 10 से छोटा है कि नहीं है? yes, तो बताओ बेटा एक बात बताओ, देखो मैं लिया ये था लेफ्ट हैंड साइड में देखो लेस का निशान था, राइट हैंड साइड में देखो ग्रेटर का निशान था। yes, तो अभी भी देखो लेफ्ट में लेस है और राइट में ग्रेटर ही है, इसका मतलब क्या हमारा इनइक्वलिटी चेंज हुआ? no, नहीं हुआ। तो हमारा अगर इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब यह कि अगर कोई चीज़ एक साइड में एडिशन के फॉर्म में हो और उसको हम दूसरी साइड ला रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में बन जा रहा है तो हमारा इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है। ये मेरी पहली बात हो गई। बोलो यार। तो चलो भैया, तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि इधर लाओगे माइनस बन जा रहा है तो इनइक्वलिटी जैसे है वैसे ही रहेगा। आइए बात दूसरा करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा बताओ, 12। बोलो यार। बेटा एक बात बताओ, 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 12 को, अब देखो 12 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो बेटा अब यही बात समझाने के लिए, 14 माइनस 2 क्या हो गया बेटा बताओ 12। अब बेटा अगर इस 2 को तुम इधर लाओगे तो इधर प्लस 2 बन जाएगा, 10 और 2 मिलके इधर क्या हो गया 12, और इधर क्या बचा 14, सॉरी हाँ इधर देखो इधर बेटा इधर 2 इधर चला, इधर 14, इधर 14। बेटा अब देखो, अभी देखो देखो जो मैं ओरिजिनल जो इनइक्वलिटी लिया था स्टार्टिंग में, देखो राइट हैंड साइड में ग्रेटर था तो रिजल्ट भी राइट हैंड साइड में ग्रेटर ही आया। क्या हमारा इनइक्वलिटी चेंज हुआ? लेकिन इस बार जब इस साइड ट्रांसपोज किया तो बताओ ये माइनस वाला क्या बन गया था प्लस, और उस बार क्या था प्लस वाला क्या बन गया था माइनस। तो बताओ पहला वाला केस प्लस से माइनस बना था, दूसरा वाला केस माइनस से प्लस बन गया था, लेकिन क्या इनइक्वलिटीज चेंज हुआ दोनों केसों में? नहीं हुआ। तो इसलिए एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड लाइए इनइक्वलिटी जैसे है वैसे ही रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ है बच्चों? प्रॉब्लम है जहाँ कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे देखो बच्चों मान लो ये 12 है। बोलो अब देखो बेटा, मैं मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ बच्चों, 6 गुणे 2 तो बताओ 6 गुणे 2 बताओ क्या हो गया बेटा बताओ 12। अब बेटा बताओ इस 2 को अगर इस साइड लाऊंगा तो बताओ 2 आके 10 में क्या हो जाएगा बताओ, डिवीजन हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा बताओ 6। बताओ 2 में जब बेटा 10 का भाग दोगे तो क्या होगा 5। बोलो यार। yes, अब बेटा यहाँ क्या बताओ 6। क्या अभी भी चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। सर आप तो कह रहे थे कि डिवीजन में और मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ तो सर देखिए यहाँ ग्रेटर का साइन था तो अभी भी ग्रेटर का ही साइन है, इनइक्वलिटी नहीं बदला। बेटा मैंने समझाने में एक बात बोला था कि जो चीज इस साइड ला रहे हैं डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में वह निगेटिव होना चाहिए। yes, जैसे बच्चों यहाँ अगर मैं माइनस 12 लिख दूँ
तो बताओ माइनस 12 बड़ा होता है कि 10 बड़ा होता है? 10 बड़ा। तो इसका मतलब साइन मैं इधर करूंगा। yes, कोई दिक्कत? No, अब बेटा अब देखो ना, अब बताओ, अब देखो सबसे पहले साइन इधर करो 10। अब बताओ 12 को लिख सकता हूँ 6 गुणे माइनस 2। अरे यार 6 दूनी 12 माइनस 12। अब इस माइनस 2 को जब इधर लाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा बताओ? माइनस, अरे यार देखो 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 इस माइनस 2 को इधर लाओगे तो माइनस 2 का डिवाइड हो जाएगा। बोलो तुम्हारे हिसाब से देखो इधर ग्रेटर का साइन था तो इधर ग्रेटर का ही साइन होना चाहिए। yes, 2 5 माइनस 5। क्या ये बात सही लिखा है? माइनस 5 क्या 6 से बड़ा है? माइनस 5 6 से बेटा छोटा होता है। अब बात समझ में आ गया होगा सर, दूसरे साइड में मैं लाया लेकिन दूसरे साइड में जो चीज ला रहा था वह नेगेटिव था और वह दूसरे साइड जाकर डिवाइड में बन गया। yes, अपने साइड में तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में था लेकिन इधर आके डिवाइड के फॉर्म में बन गया, लेकिन वह था नेगेटिव तो इनइक्वलिटी चेंज हो गया। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटर का साइन था तो रिजल्ट में जब आया तो वह साइन बदल गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर का साइन हो गया। yes, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, इसी प्रकार से बच्चों अगर डिवाइड के बारे में सोचे, डिवाइड के बारे में सोचे तो जब दूसरी साइड कोई चीज़ ले जाएंगे, ठीक है ना बेटा, जब दूसरी साइड कोई चीज़ ले जाएंगे तो इनइक्वलिटी जो होता है बेटा वो चेंज हो जाएगा। बेटा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है बच्चों, तो बस आप लोग इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा, ठीक है? चलो तो बेटा आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गया होगा, तो आइए हम इस पे कुछ प्रॉपर्टी लिख ले रहे हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें याद रहे, ठीक है बेटा? देखो बेटा बात समझो, पहला पॉइंट बेटा इधर देखो, चेंज हो जाती है। तो देखो बच्चों मैं आपके सामने जो बात कुछ देर पहले मैं आपको समझाया हूँ वही बातें बेटा लिख भी दिया। देखो बेटा पहले तो मैं मतलब आपको वो बातें ऐसे बता दिया हूँ कि आज की कॉन्सेप्ट क्या है, फिर देखे होंगे उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया, एग्जांपल के थ्रू समझाया। हो सकता है पहली बार जब आपको मैं समझाया 20% समझ में आया हो, फिर सेकंड जब मैं एग्जांपल लिया तो हो सकता है 40% या 50% आपको समझ में आ गया हो। अब वही चीज़ मैं आपके सामने बच्चों, ठीक है ना, पॉइंट्स करके लिख दिया हूँ कि आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अपने नोट्स में लिख लीजिए। बच्चों हम चाहते हैं बात चाहे छोटी हो चाहे बात बड़ी हो, कोई भी हो, नोट्स में हर चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आज कोई चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तब तो मुझे याद है लेकिन कल वो चीज़ें मुझे भूल भी सकता है। तो देखो बच्चों मैं क्या लिखा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी मतलब पूरा कंसंट्रेशन लगाइएगा कि वो चीज़ें क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ देर पहले समझाया मैं वही चीज़ लिखा हूँ, ठीक है बेटा? देखो बेटा मैं क्या लिखा हूँ, जब किसी इनइक्विलिटी में, यानी जब किसी असमिका में, असमिका बेटा जहाँ ग्रेटर या स्मॉलर का साइन हो, बस इक्वेशन की बात यहाँ नहीं हो रहा है, जब किसी इनइक्विलिटी में एक साइड से दूसरे साइड यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में किसी टर्म को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ले जाते हैं, यानी एक साइड से आप दूसरे साइड जब ले जा रहे हो या तो वहां पे दूसरे साइड ले जाके एडिशन कर दोगे उसका या तो दूसरे साइड में उसका सब्ट्रैक्शन कर दोगे, तो इनइक्विलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो इनइक्विलिटी का साइन चेंज नहीं होता है यानी कि जिस साइड में ग्रेटर का साइन है उस साइड में ग्रेटर का ही साइन होगा और जिस साइड में स्मॉलर का साइन है उस साइड में स्मॉलर का ही साइन होगा, इनइक्विलिटी चेंज नहीं होगा। बेटा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब वो जो संख्या तुम ले जा रहे हो वह रियल नंबर में या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव, उससे मतलब नहीं है, आप उस साइड ले जाके एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो इनइक्विलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा बात समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरी बात करते हैं क्योंकि दूसरी बातों में ही थोड़ी सी ट्विस्ट है, वरना दूसरी बात भी अगर सेम चीजें हो जाती तो इक्वेशन और इनइक्विलिटी में कोई खास अंतर नहीं रह जाता। बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना? तो देखो बेटा दूसरा बात मैं क्या लिखा हूं, जब किसी इनइक्विलिटी में एक साइड से दूसरे साइड किसी टर्म को मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के फॉर्म में ले जाते हैं, यानी कि कोई इनइक्विलिटी दिया है आप एक साइड से दूसरे साइड में कोई भी संख्या ले जा रहे हो
इधर जाके या तो उस संख्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा या तो उस संख्या का डिवाइड हो जाएगा। हो गया बेटा, ठीक है ना। ले जाएं तो दूसरी साइड जाने वाला टर्म, तो जिस टर्म को आप ले जा रहे हो, इसमें दो कंडीशन है। देखो, पॉजिटिव हो, अगर वह संख्या पॉजिटिव हो जिसे आप ले जा रहे हो, जिसे आप ट्रांसपोज कर रहे हो, तो इनइक्विलिटी चेंज नहीं होती है। अगर पॉजिटिव होगा तो इनइक्विलिटी चेंज नहीं होगा, ले जाके उधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या क्या बोलते हैं आप डिवाइड कर दो, इनइक्विलिटी बेटा चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रहा होगा। लेकिन बच्चों, अगर वह संख्या निगेटिव हो गया तो इनइक्विलिटी चेंज हो जाएगा। ये सबसे स्टार पॉइंट है बच्चों, ये याद रखो बच्चों। ये अगर वह चीज़ निगेटिव हो गया और दूसरी साइड जाके उसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं या आप डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इनइक्विलिटी चेंज हो जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहा। बोलो बच्चों। तो कितना टाइम हो रहा है मैम? अब हो ही नहीं पाएगा कोई क्वेश्चन, नहीं ठीक है ना। है तो बच्चों, उम्मीद है कि आज जो मैं आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि बच्चों देखो, हम लोग पूरा फंक्शन में, पूरा रिलेशन में, पूरा सेट में हमको बार बार इनइक्विलिटीज़ देखने के लिए मिलेगा। बार बार हमको कहीं आपको बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इनइक्विलिटीज़ देखने के लिए मिलेगा, कहीं आपको पॉलिनोमियल इनइक्विलिटीज़ देखने के लिए मिलेगा, कहीं आपको मॉडुलस इनइक्विलिटीज़ देखने के लिए मिलेगा, बहुत टाइप का इनइक्विलिटीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक बातें, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन बच्चों फिर भी मैं कहता हूँ कि हम छोटी छोटी बातें अगर ठीक है ना कलेक्ट करेंगे, छोटी छोटी बातों को मतलब सीखेंगे, तो मैथ हमारा ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। जैसे बच्चों बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप जानते होंगे। तो छोटी छोटी बातें आप कलेक्ट करते रहो मैथ्स में, तो एक दिन मैथ्स का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि आप पूरा का पूरा समझो मतलब मैथ का सागर में डूबे रहोगे। बात बेटा समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आज ये दो पॉइंट बताया, क्योंकि बच्चों मैं जो मतलब मैं कल एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, उसमें बेटा मैं जो न्यूमेरिकल्स लगवाने वाला हूँ वो मैं इनइक्विलिटीज पे बेस लगवाने वाला हूँ। जो मेरा न्यूमेरिकल होगा वो इनइक्विलिटीज पर बेस्ड होगा। तो बेटा अगर मान लो मैं न्यूमेरिकल लगवाने जा रहा हूँ इनइक्विलिटीज का, और आपको इनइक्विलिटीज के तौर तरीके ही ना पता हो, इनइक्विलिटीज के मेथड्स ही ना पता हो, तो आप कैसे मतलब क्या बोलते हैं क्वेश्चंस को लगाते। अब इनइक्विलिटीज को जब सॉल्व किया जाएगा तो हमारे जो वैल्यू जाएंगे एक्स के, वो इंटरवल्स के फॉर्म में लिखे जाएंगे। इसीलिए इसके पहले मैंने इंटरवल का भी वीडियो बना दिया है। मैं आपको ये भी कल बता दिया था कि अगर कहीं माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट आ जाए तो वो ऑलवेज ओपन इंटरवल में होता है। फिर मैं ये भी बता दिया कि अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हो, आज बताया, अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हो तो अगर वो चीज़ें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में जा रहा है तब तो इनइक्विलिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन के फॉर्म में अगर दूसरे साइड जा रहा है, तो अगर वह संख्या जिसे तुम ले जा रहे हो निगेटिव है, तो उस केस में इनइक्विलिटी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये सब सारी छोटी छोटी बातें अगर आपके जानकारी में रहेगा तो ही जाके आप लोग इनइक्विलिटीज के क्वेश्चंस बेटा लगा पाओगे। बेटा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों आप लोग ये सब सारी चीज़ें ठीक है ना बेटा, स्क्रीन शॉट लेके आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। चलते चलते नाम तो सुना ही होगा। बच्चों आप लोग खूब लगन और मेहनत से पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके बाय बच्चों।